हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिवेट जॉइंट का जो फाइलर की कंडीशन होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ की कंडीशन होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम उस कंडीशन पर एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक बॉयलर सेल की प्लेटें 8 मिलीमीटर मोटी है। इन्हें एकल रिवेटदार लैप जोड़ द्वारा 18 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों से 60 मिलीमीटर पिच रखते हुए जोड़ा गया है। अनुज्ञेय प्रतिबल PT इज इक्वल टू इतना, PS इतना दिया हुआ है और FB का मान हमें इतना दिया हुआ है, लेते हुए जोड़ का सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जोड़ में प्लेटों द्वारा प्रति सेंटीमीटर लंबाई वहन किए जाने वाला तनन बल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उनमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि प्रश्न में हमें जो भी दिया हुआ है उन्हें एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, हमें प्लेट की मोटाई दी है, प्लेट की मोटाई, ये मेन प्लेट है आपकी, इसलिए इसकी मोटाई T से डिनोट करेंगे हम, 8 मिलीमीटर। रिवेट का व्यास, ये जो आपका रिवेट का व्यास दिया हुआ होता है ये आपका रिवेट का सामान्य व्यास होता है। ठीक है, रिवेट का सामान्य व्यास, आपका दिया हुआ है 18 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें रिवेट का कुल व्यास निकालना है। रिवेट का कुल व्यास, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिवेट का व्यास किस प्रकार निकाला जाता है। यदि रिवेट का सामान्य व्यास 25 मिलीमीटर से कम है तो उसमें 1.5 mm जोड़ा जाता है, और यदि रिवेट का व्यास 25 mm से अधिक है तो उसमें 2 mm जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो रिवेट का सामान्य व्यास दिया हुआ है उसका मान 18 mm है, इसलिए इसमें हम 1.5 जोड़ देंगे। ये हो गया आपका 19.5 mm, ये आपका कुल डाई आ चुका है। इस डी का मान ही हम आगे की गणनाओं में लेंगे। ठीक है, और हमें दिया हुआ है FT का मान दिया हुआ है हमें 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सभी गणनाएं न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ठीक है, जो भी आपके अनुज्ञेय प्रतिबल है। FS का मान हमें दिया है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FB का मान हमारे पास दिया हुआ है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें और दी गई है, रिवेटों से 60 मिलीमीटर पिच, यानी कि पिच की लंबाई हमें दी हुई है। पिच को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो भी इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है वो सब चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले जो आप स्टेप फॉलो करोगे इस प्रकार के सवालों में, जो भी डिज़ाइन करना है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, इट इज इक्वल टू P-D T into FT। इसमें जो ये P होता है ये आपकी पिच होती है, D होता है ये आपका रिवेट का कुल व्यास होता है, T प्लेट की मोटाई होती है, और FT आपका अनुज्ञेय तनन प्रतिबल होता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी में ये मान रख देते हैं। P का मान है हमारे पास 60 माइनस D का मान है हमारे पास 19.5 मल्टीप्लाई T का मान है हमारे पास 8, FT का मान हमारे पास है 150। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया आपका 48,600 न्यूटन। ठीक है, इसका मान जो भी आएगा आपका न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो इसे हम किलो न्यूटन में बना लेंगे, ये हो गया आपका किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो आपकी तनन सामर्थ्य है वो 48.6 किलो न्यूटन है। अब आगे बढ़ते हैं शियर स्ट्रेंथ की तरफ। शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, इसे हम PS से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र
पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एफ एस होता है, ठीक है। इसमें सभी मान रख देते हैं, पाई बाई फोर डी का मान है हमारे पास 19.5 होल स्क्वायर, पॉइंट एफ एस का मान है हमारे पास 100, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी आपकी 29.864.76, इसे किलो न्यूटन में बना लो, 29.864 किलो न्यूटन, ओके। बच्चों यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ का आपका सूत्र होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ को हम पी बी से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है डी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एफ बी, ठीक है। डी का मान है हमारे पास 19.5, टी का मान है हमारे पास 8, मल्टीप्लाई एफ बी का मान है हमारे पास 300, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 46,800 न्यूटन, कन्वर्ट टू किलो न्यूटन, 46.8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी तीन स्ट्रेंथ थी, ये तीनों स्ट्रेंथ हमने पुट कर लिया है यहाँ पर। तो अब हम इन तीनों स्ट्रेंथ में हम ये देखेंगे कि हमारा जो जॉइंट है वो किस में फैल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है 48.6 किलो न्यूटन, यानी कि आपका जो जोड़ है वो टेंशन में कब फैल होगा, जब उस पर 48.6 किलो न्यूटन से ऊपर का लोड आएगा तो वो टेंशन में फैल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम शेयर स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, शेयर स्ट्रेंथ है आपकी 29.864 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी कि शेयर में आपका जोड़ तब फेल होगा जब आपके जॉइंट पर 29.864 से अधिक का लोड आएगा, ठीक है। और बियरिंग स्ट्रेंथ देख लेते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ आपकी कितनी आई है, 46.8, यानी कि आपका जो जोड़ है वो बियरिंग में तब फेल होगा जब उस पर 46.8 किलो न्यूटन से अधिक लोड आएगा, ठीक है। अब हम जो हमारे पास ये जोड़ है उसमें सबसे पहले जोड़ किस चीज़ में फेल होगा, उसमें आपको पता है सबसे पहले 29.864 किलो न्यूटन के लोड पर शेयर में फेल हो जाएगा, क्योंकि ये मान इन सभी में कम है, इसलिए जब भी कोई लोड आएगा तो ये स्ट्रेंथ जो है सबसे पहले फेल हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेंथ जो है आपकी सबसे पहले फेल हो जाएगी क्योंकि ये मान सबसे कम है, ठीक है। तो आपकी जो जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य होती है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होती है आपकी, वो इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि इन तीनों में से सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है, वही आपकी वास्तविक सामर्थ्य होगी, ठीक है, वही आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी आ गई 29.864, ठीक है, जिसे हम जोड़ की सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है इस सवाल में, जोड़ का सामर्थ्य, ठीक है। तो ये आंसर अभी तक हमारा आ चुका है, अभी इससे आगे क्या पूछ रहा है, दक्षता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दक्षता के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दक्षता आपकी क्या होती है, ठीक है। दक्षता का एक सूत्र होता है, जोड़ की सामर्थ्य, इसे हम वास्तविक सामर्थ्य बोलते हैं, जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य डिवाइड बाई ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ की दक्षता का सूत्र है। अब आपको पता है
हमने जोड़ के वास्तविक सामर्थ्य तो यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन ठोस प्लेट का सामर्थ्य हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकाल लेंगे हम, ठीक है। ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य का सूत्र होता है आपका पी गुणा टी गुणा एफ टी, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, कि ठोस प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकाली जाती है। इस सूत्र में अब हम मान रख देते हैं, पी का मान है 60 गुणा टी का मान है 8 और गुणा एफ टी का मान है 150, यह आ जाता है आपका 72,000 न्यूटन, यानी कि 72 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है। अब हमारे पास दक्षता निकालने के लिए दोनों चीज़ें हमारे पास है, ठीक है, जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य भी है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य भी है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं दक्षता, दक्षता हो जाएगी आपकी जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य, यानी कि 29.864 डिवाइड बाई 72 गुणा 100, यह आ जाएगा आपका 41.47%, ठीक है। तो यहाँ से हमें दक्षता का भी पता चल चुका है, ठीक है। अब हमें सवाल में पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है जोड़ में प्लेटों द्वारा प्रति सेंटीमीटर लंबाई में वहन किया जाने वाला तनन बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रति सेंटीमीटर लंबाई में उत्पन्न तनन बल, इसका भी हमारे पास एक सूत्र है, ठीक है। आपको इस सूत्र से तनन बल ऐसी कंडीशन में निकालना होगा, ठीक है। वास्तविक सामर्थ्य डिवाइड बाय पिच, ठीक है, क्योंकि ये सभी गणनाएं आपकी एक पिच लंबाई के आधार पर ली जाती है, इसलिए आपकी जो प्रति सेंटीमीटर तनन सामर्थ्य होगी वो भी पिच लंबाई के आधार पर ही ली जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ जो भी पिच दी गई हुई है आपकी, ठीक है, उसे हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं। जैसे कि आपकी पिच 60 दी हुई है, 60 मिलीमीटर, ठीक है, इसे जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें प्रति सेंटीमीटर निकालना है इसलिए हमने पिच को सेंटीमीटर में बना लिया है, ठीक है। तो वास्तविक सामर्थ्य है आपकी 29.864 किलो न्यूटन अपॉन पिच, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में आपकी आपका तनन बल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 4.977 किलो न्यूटन, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें 3-4 चीज़ें हमें पुटअप करनी होती है। तो बच्चों, ऐसे सवालों पर आप अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिए, आगे भी मैं आपको सवाल करवाता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।